बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारे से दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में बाहर का मौसम तो आप देख ही रहे हैं, अच्छी खासी जो है वो बारिश हो रही है और हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी करने के लिए। अच्छा जी, आज था जुमा। सबसे पहले आप लोगों को जुमा मुबारक। तो ये जुमा पढ़ के आई हैं तो बस मुझे फ़ोन किया कि मैं बाहर आ गया हूँ, बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार करो तो फिर जो है वो ग्रोसरी करने चलते हैं। तो बस इन बच्चों को तैयार किया तो हम लोग आ गए थे लीडल में। तो यहाँ से जो है वो ग्रोसरी करते हैं, जो जो चीज़ें लेनी हैं वो लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो बाकी जो है वो घर जाएंगे। मैंने जो है ना वो सारे काम वगैरह कर लिए थे, अब बस ग्रोसरी करेंगे, घर जाएंगे और फिर शाम को जो भी खाना वगैरह बनाना होगा, कुछ भी करना होगा वो कर लेंगे। अच्छा जी, मैं बच्चों को लेके आ गई थी लीडल में और मैं करने लग गई थी ग्रोसरी। और ये चले गए थे लीडल के सामने, बिल्कुल अरेबिक शॉप है वहाँ पे चले गए थे। वहाँ से ये फ़िश वगैरह और गोश्त जो भी लेना था वो इन्होंने ले लिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी ग्रोसरी कर ली, जो जो चीज़ें लेनी थी वो हम लोगों ने ले ली हैं। अब हम लोग आ गए थे काउंटर पर। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो हम लोग ग्रोसरी वगैरह करके घर वापस आ गए थे और ये लगी हुई थी कि मामा मैंने आपकी जो है ना वो सारी चीज़ें आज समेट देनी है, सारे काम मैंने आपके ख़त्म कर देने हैं। तो मैंने कहा कि चलो लगो और चीज़ें उठाओ और समेटो और मेरी जो है वो हेल्प करवाओ। बच्चों के साथ जो है ना वो इसी तरह लगा रहता है, जो भी काम करना है माशाल्लाह से इसने ज़रूर आना है मेरे हर काम में। तो ऐसे इसको यही है कि मैं शापर के अंदर ही घुस जाऊँ, इतना जो है ना ये लगी हुई थी देखने के क्या क्या चीज़ें आई हैं। वो इसको अपनी भी चीज़ का होता है ना कि कौन सी चीज़ आई है खाने के लिए और क्या नई चीज़ आई है जिसके साथ मैं खेलूँ और इन्जॉय करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी। समेटने के बाद मैं गाजरें लेके आई थी लीडर से, मैंने कहा आज जो है ना वो गजरेला बनाती हूँ तो गाजर का हलवा जो है वो बनाती हूँ। तो बस इनकी आज मैंने ड्यूटी लगाई है, मैंने कहा आपको छुट्टी है, एक दिन आप भी हमारी थोड़ी सी हेल्प करवा दें। एक ही आपको दिन हफ्ते में छुट्टी होती है, हम तो तरसते ही रहते हैं कि आप लोग घर हों और हमारी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प करवाएँ। तो मैंने कहा कि आज जो सबसे मुश्किल काम है ना वो करें और मुझे गाजरें जो है वो कद्दूकश करके दें। तो इनकी आज मैंने ड्यूटी लगाई है गाजरें कद्दूकश देने की। मैंने कहा खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, ऐसे आप लोग बड़ा कहते हो कि बड़ा मज़े का बनाइए वो, करके भी दिखाओ ना फिर पता चलेगा। तो बस इनसे जो है वो मैं आज गाजरें कद्दूकश करवा रही थी। ये आज मेरे आगे थे काबू और बस इनकी आज शामत आ गई है और गाजरें सारी जो है ये आज यही कद्दूकश करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं तंदूर के अंदर मैंने बगत रखा हुआ था, अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलें साथ जो है ना वो थोड़ा सा ये भी खा लेते हैं, बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। तो इनकी शिफ्टिंग मैंने करवाई है इस साइड पे, मैंने कहा आप ज़रा इस साइड पे शिफ्ट होकर यहाँ पर करें ना गाजरें कद्दूकश और मैं जो है वो गोश्त मेट लूँ। गोश्त जो है ना वो मैं इतना ज़्यादा नहीं लेके आई आज, सिर्फ ये था कि फ़िश आती है जुमे वाले दिन फ्रेश, तो लीडर के सामने जो शॉप है वहाँ से। तो बस आज ये फ़िश लेके आए थे, मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया फ़िश नहीं खाई तो ज़रा आज जो है ना वो फ़िश लेके आए। तो बस यहाँ से जो है ना वो हम लोगों ने ये फ़िश ली थी, इसको अब सारी इसके ऊपर से पर वगैरह इसके काट के इसको अच्छी तरह धो सवार के जो है ना इसको रख देती हूँ मसाला लगा के फ्रिज में। साथ में ये थोड़ा सा चिकन लेके आए थे, ज़्यादा मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ से हम लोगों को जो है ना वो गोश्त पसंद नहीं। तो बस अब कुछ दिनों तक जो है ना वो जाएंगे सिटी, इनको सोमवार वाले दिन इनको छुट्टी है तो उस दिन जो है वो हम लोग जाएंगे स्टड और वहाँ से जो है ना लेके आएंगे सारा जो है वो गोश्त कीमा जो जो कुछ लेके आने वाला है ना वहाँ से लेके आएंगे। यहाँ से मुझे इतना पसंद नहीं है तो बस ये था कि घर में बिल्कुल ख़त्म था, मैंने कहा थोड़ा सा ले लें कोई अचानक आ जाए या ऐसे खुद का भी दिल कर पड़ता है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाने को। तो बस ये थोड़ा सा चिकन ले आए थे तो बस चिकन को साफ़ करके धो के छील के तो बस उसको रखा है पैक करके। और यहाँ पे जो है ना वो अब मैं फ़िश को साफ़ कर लेती हूँ, फ़िश को भी साफ़ करना अच्छा खासा मुश्किल काम है।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मेरी कुश्ती चल रही थी मछली के साथ अच्छे खासे। जो पहले मैंने ना ग्लव्स नहीं पहने, ग्लव्स पहनो ना फिर वो इसके जो पर है ना वो फिसलते नहीं है, तो बाद में फिर ये है कि मैंने ग्लव पहन लिए। ग्लव पहन के अब इसको सारा जो है ना वो काट कूट के इसके सारे पर वगैरह उतार के और इसको कट लगा के इसको आटा लगा के रख दूंगी। फिर ये है कि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है आटे के साथ, बिल्कुल जो है ना वो फिश की जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो बस इसको अब यहाँ पर कट लगाऊंगी, कट लगाने के बाद इसको मसाला लगा के रख दूंगी और फिर जो है वो मैं चिकन को जो मैंने रखा है उसको जो है ना मसाला लगाऊंगी और इसको भी मसाला लगा के सब कुछ जो है वो फ्रीज कर दूंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने मछली के जो है वो सारे पर पुरे काट दिए हैं, इसके सारे पुरते शुरते काट दिए पर। और अब जो है इसको आटा लगा के रखने लगी हूँ। आटा लगा के ना इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा इसको रख देना। तो बहुत साफ़ सुथरी और स्मेल के बगैर जो है वो फ्रेश मछली जो है ना वो हमें यहाँ से मिल जाती है। तो सर्दियाँ 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 तो खा ले, गर्मियों में तो वैसे ही नहीं खाते। तो मैंने कहा कि जितने अभी ये थोड़ा सा टाइम रह गया है ना उतना जो है ना वो आज ले आओ और इसको जो है ना वो मैं लगा के मसाले मसूले रख दूँ, तो फिर किसी दिन जो है ना इसको कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, एक चिकन को जो है वो मैंने धो के मसाला लगा दिया था, दूसरा वैसे ही एक पैकेट मैंने बना दिया था। मैंने कहा कि चलो अभी जो है ना वो गुजारा हो जाएगा, सोमवार वाले दिन जाएंगे स्टार्ट, तो वहाँ से सारा कीमा गोश्त चिकन जो जो कुछ लेके आने वाला है सारा कुछ लेके आएंगे और इसको जो है ना वो फिर मैं रख दूँगी फ्रीज़ करके। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने फ़िश को भी मसाला लगा दिया, पहले भी काफ़ी दफ़ा इसको मैं बस नमक मिर्च मसाला वगैरह लगाती हूँ, लेमन लगा देती हूँ। तो बस इसके दो दो पीस करके इसको मैं पैकेट बना के इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको निकाल के या बेक कर लूँगी अगर फ्राई करना होगा तो, ऐसे ही इसको जो है ना वो फ्राई कर लूँगी और मज़ेदार सी जो है वो मेरी फ़िश तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये देखें, फ़िश को भी मैंने मसाला लगा दिया, इसके भी दो पैकेट बना के इसको रख दिया है। चाहे तो एक एक निकाल के इसको जो है वो कर लूँगी, चाहे तो दो दो निकाल के इसको जो है ना वो मैं यूज़ कर लूँगी। जैसे भी सालन बनाना होगा तब भी फ्राई करके सालन बना लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं बनाने लगी थी गजरेला, मेरे हस्बैंड ने जो है ना इतने में गाजर भी कद्दूकश कर दी थी, तो मैंने कहा कि आज मज़ेदार सा जो है ना वो आप लोगों को गजरेला बना के देती हूँ। तो बस सबसे पहले मक्खन डाला, मक्खन डाल के गाजरों को थोड़ी देर भून लूँगी, भूनने के बाद इसमें दूध डाल दूँगी और दूध को खुश कर लूँगी और मज़ेदार सा जो है वो गजरेला बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो गाजरों को मैंने अच्छी तरह जो है ना ज़्यादा नहीं भूनना होता, बस ये है कि इसका पानी खुश्क हो जाए ना फिर दूध के साथ ये जल्दी पक जाती हैं। तो मक्खन डाल के बस इसका खुश्क कर लिया था, चीनी जो है वो सबसे एंड पे डालूंगी। तो बस अब इसमें मैंने दूध डाल दिया, अगर मुझे कम लगेगा तो थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी और इसको भी जो है ना वो पका लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने खुश्क मेवा जात जो जो मैंने इसमें डालने हैं वो मैंने काट के रखे थे और साथ में जो है ना वो गजरेले का जो है वो दूध खुश्क कर रही हूँ। तो बस ये देखिए, यहाँ पे जो है ना वो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको इसके क्लिप भी शेयर कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा ही दूध रह गया है, चीनी जो है वो बहुत जो है ना वो एंड पे डालनी है, उससे फिर बहुत चमकदार ऐसे जो है ना वो हलवा तैयार होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने देचकी से पैन के अंदर कर लिया था, क्योंकि देचकी के अंदर नीचे थोड़ा सा लग गया था, चूल्हा थोड़ा सा तेज़ था और मैंने किसी और काम में लग गई तो बस वो नीचे लग गया था। तो मैंने कहा ऐसे ना हो कि हलवे में से स्मेल आए, तो मैंने इसको जो है ना वो पैन में निकाल दिया और वैसे भी पैन के अंदर भूनो ना बड़ा ज़्यादा अच्छा भूनता है। तो यहाँ पर इसमें मैंने अब चीनी डाल दी सबसे एंड पर, चीनी डाल के इसको मिक्स करती हूँ, थोड़ी देर इसको पकाऊंगी और मेरा मजेदार सा गाजर का जो हलवा है वो यहां पे तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे एंड पे जो है ना वो मैंने इसमें खुश्क मेवा जार डाल के इसको जो है वो मिक्स कर लिया है। अब इसको बर्तन में निकालूंगी और इसको आपके मज़ेदार से गाजर के हलवे की जो फाइनल लुक है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
तो बस यहाँ पे जो है वो मेरा मज़ेदार सा मुंह में पानी आ गया। अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो दोबारा से जो है वो मेरे मुंह में पानी आ गया था। तो ये देखें मज़ेदार सा मेरा गाजर का हलवा जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।